अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जियो टीवी कई नए ड्रामा सीरियल ला रहा है जिसमें तेरे बिन का सीज़न 2 भी शामिल है। इसके अलावा खुदा और मोहब्बत का सीज़न 4 भी आ रहा है। इसके अलावा और भी बहाज के और कई अदाकारों के नए प्रोजेक्ट आपको रमज़ान में भी देखने को मिलेंगे। बाकी चैनल्स पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ खुदा और मोहब्बत के सीज़न 4 और नए आने वाले ड्रामा सीरियल इश्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि खुदा और मोहब्बत के सीज़न 4 में हारून कादवानी होंगे। क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि हारून कादवानी खुदा और मोहब्बत के सीज़न 4 में देखे जाएंगे, लेकिन जो नई अपडेट्स आ रही हैं उनके मुताबिक एक नया और भी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम इश्क है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हारून कादवानी उसमें हों और खुदा और मोहब्बत के सीज़न 4 में ना हो। ये बात अभी कंफर्म नहीं है। आप हारून कादवानी को किस प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं, खुदा और मोहब्बत के सीज़न 4 में या के एक नए ड्रामा सीरियल में इनकी एंट्री चाहते हैं? कुछ अर्सा पहले जो अपडेट्स आई थी उनके मुताबिक कहा जा रहा था कि खुदा और मोहब्बत के सीज़न 4 में फ़ेरोज़ खान के साथ हारून कादवानी को लीड रोल पे देखा जाएगा और उनके साथ इकरा या कोई भी और अदाकारा देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अब जो नई अपडेट आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि हारून कादवानी खुदा और मोहब्बत के सीज़न 4 में नहीं होंगे, बल्कि वो एक नया प्रोजेक्ट कर रही हैं जिसका नाम इश्क है। उसमें इनके साथ सहर खान होंगी या कि कोई भी और अदाकारा भी हो सकती हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है। क्या आप हारून कादवानी को फ़ेरोज़ खान के साथ खुदा और मोहब्बत के सीज़न 4 में देखना चाहते हैं या कि एक नए ड्रामा सीरियल में एक नई स्टोरी के साथ इनको देखना चाहते हैं? कि अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।